व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। आप लोगों को एक बात पता ही है कि जो भी इंसान इस धरती पर आया है, एक न एक दिन उसको जाना ही जाना है। जब ये बात तय है तो क्यों ना कुछ ऐसा करके जाए, क्यों ना इस लाइफ को कुछ ऐसे तरीके से जीकर यहाँ से जाया जाए कि यहाँ पर आने वाली जनरेशन भी मिसाल दे कि हाँ, कोई इंसान यहाँ पर आकर पैदा हुआ था, कोई इंसान इस जमीन पर आया था। इसी तरीके की अगर बातों की यहाँ पर बात की जाए तो ये सबसे सटीक बैठती है मेरे हिसाब से यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम सर के ऊपर। इन्होंने अपनी लाइफ को कंप्लीटली दूसरों के लिए डेडिकेटेड कर दिया। यहाँ पर तक की बात है, इन्होंने खुद की शादी भी नहीं की। आप लोग समझ सकते हैं, कोई इंसान कंप्लीटली अपनी लाइफ दूसरों के लिए डेडिकेटेड करना, ये बोलते थे कि पूरी कंट्री मेरी फैमिली है। तो इस तरीके के इंसान से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि अपनी पूरी कंप्लीट लाइफ को दूसरों के लिए डेडिकेट करना, आज की डेट में हम लोग अपना कुछ टाइम भी दूसरों को नहीं दे पाते हैं। आप लोगों को मैंने बोला है कि थोड़ा सा आप लोग टाइम निकाल के पढ़ा दिया कीजिए, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कर पाते हैं और बहुत सारे नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग खुद देख लीजिए। और यहाँ पर आप अगर कोई ऐसा इंसान की अपनी कंप्लीट लाइफ ही दूसरों को दे देता है तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है। तो हमको कुछ सीखना चाहिए और अपनी सोसाइटी के लिए भी हमको कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना चाहिए। अपने के बारे में तो सब सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचने वाला ही असलियत में इंसान है। 19 फरवरी आज देखते हैं नैनो मैगजीन के तहत हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पीआईबी रहेगा, योजना रहेगा, ऑल इंडिया रेडियो रहेगा, प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये है हमारा नैनो मैगजीन का पूरा प्रोग्राम। शाम को आप लोगों को डेली मिलती है पॉलिटी, तो शाम को आप लोग पॉलिटी मिलती है डेली 5 बजे, आप लोग वो भी लेक्चर देख सकते हैं। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी जी इंडिया की विजिट पर है, तो बोला गया है मिलकर यहाँ पर टेररिज्म को ऑल फॉर्म में, जो भी यहाँ पर टेररिज्म होता है उसको यहाँ पर दूर करने की बात की जा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारत और ईरान के जो रिलेशन है उनको आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए यहाँ पर इस तरीके का एक टिकट भी यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, तो संयुक्त डाक टिकट आप लोग बोल सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इस तरीके की बातें अगर कुछ होती है किसी पर्टिकुलर विशेष कंट्री के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ईरान और इंडिया के लिए डाक टिकट जारी किया गया, खासकर किससे रिलेटेड है ये, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं जहाज वगैरह सब उतरे हुए हैं, क्रेन वगैरह यहाँ पर, तो ये बातें कुछ आप लोग यहाँ पर माइंड में जरूर रखिएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हसन रूहानी जी हो गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो गए, तो दोनों मिलकर यहाँ पर किन किन एरिया में हम लोग आगे रिलेशन बढ़ा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो ये थे हमारी कंट्री, ये है हमारी कंट्री की विजिट पर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ा ही शानदार यहाँ पर डिसीजन निकल के आ रहा है। अब जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है, अगर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना चाहता है तो उसको अपनी सारी इनकम जो उसके रिलेटिव है सबकी सारी बातें बतानी पड़ेगी, क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा रहता है उसको किस तरीके से कर्ब किया जा सकता है, किस तरीके से घटाया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर फोकस देकर चला जा रहा है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। अभी आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर, अभी यूएसए में इलेक्शन हुए थे 2016 में, तो जो भी यहाँ पर इलेक्शन हुए थे वहां पर प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए थे उसमें बात बताई जा रही है कि जो रशिया है, रशिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है वहां पर, इंटरफेयर किया है रशिया ने इलेक्शन में। तो देखिए अगर किसी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के इलेक्शन में कोई दूसरी कंट्री इंटरफेयर करती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, उसी के बारे में कई बार बातें डिस्कस निकल के आती हैं। ये बातें बोली जाती है कि आने वाले टाइम में कई बार मीडिया में ये भी बात आती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं उनको अपना रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। ठीक है, अभी अभी स्टार्टिंग में ये बोला गया था डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा कि रशिया के साथ में अच्छे रिलेशन बनाएंगे, पर लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर इतना पड़ रहा है ऊपर से कि आज की डेट में वो भी रशिया के अपोजिट में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए, आप लोगों ने कोल्ड वार के ड्यूरेशन की बात सुनी होगी। कोल्ड वार के टाइम पर एक साइड में यूएसए हुआ करता था, एक साइड में यूएसएसआर, काफी लंबे समय तक दोनों के बीच में लड़ाई चलती रही। फिर से वो इस तरीके कंडीशन बनती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर अभी पता है कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मालदीव में इमरजेंसी लगी हुई थी, अब आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इथोपिया में भी इमरजेंसी लग गई है। तो आप लोग यहाँ पर इथोपिया, आप लोगों को थोड़ा मैप में पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैप निकाल लेते हैं आइए, क्योंकि जो भी न्यूज में रहता है आप लोगों को थोड़ा मैप में उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया और यहाँ पर ये हो गया आप लोगों के लिए इथियोपिया। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि इसके ऊपर मार्कर चलाइए, देखिए मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट गूगल से, ठीक है ना, जो गूगल मैप है वो दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके ऊपर मार्कर नहीं चल पाएगा बिल्कुल भी। मैं आप लोगों को जूम इन और जूम आउट करके दिखा सकता हूँ ओनली, पर इसके ऊपर मार्कर वगैरह या इसके ऊपर कोई पेन नहीं चल पाएगा, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये डायरेक्ट मैं इसको गूगल में जाकर सर्च करके डायरेक्ट आप लोगों को गूगल मैप दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ना कि आप लोगों को कोई पिक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इतना आसानी से ये चीजें आप लोगों को दिख रही है। ये देख सकते हैं इथोपिया हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला इथोपिया हो गया, इसमें इमरजेंसी की यहाँ पर बात की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मालदीव में यहाँ पर इमरजेंसी थी। तो इस तरीके से कुछ कंट्री ऐसी होती है वो न्यूज में होती है तो उनका आप लोग को पता होना चाहिए, आसपास की जो थोड़े से उसके एरिया होते हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, हो गया एरिट एरिया, इधर हो गया सुडान, नीचे हो गया साउथ सुडान, इधर हो गया केन्या, इधर हो गया सोमालिया, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर डिजिब्यूटी। तो कुछ एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए, ये गल्फ ऑफ एदन हो गया यहाँ पर जहां पर ये कंट्री पड़ रही है। ठीक है,
एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बनकर आता है, बताइएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो आप लोगों ने बात सुनी होगी उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पहले पास्ट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। ये अभी आप लोगों को पता होगा, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हमारी कंट्री पर आए थे और वो आगरा की विजिट भी करने गए थे, आप लोगों ने देखा होगा वहां पर फोटो वगैरह भी खिंचाए गए थे, वो जो नॉर्मली फोटो खिंचाई जाती है आगरा जाके, तो वो इस तरीके पोज भी देखने को मिले थे। तो इनके ऊपर अभी यहां पर ब्राइबरी का चार्ज लग गया है कि इन्होंने यहां पर अपनी कंट्री में कुछ ना कुछ करप्शन किया है और ये कह रहे हैं हमने करप्शन नहीं किया है। तो देखिए क्या कंडीशन बनती है, हो सकता है कल को ये भी अपना रेजिग्नेशन देते हुए नजर आए, तो थोड़ा सा आप लोगों को उनके बारे में भी पता होना चाहिए। इस तरीके से भी आप लोग कंट्री, खासकर जिसके साथ में अभी लेटेस्ट रिलेशन की बात चलती है, वो भी मैप में थोड़ा निहार के उसके बारे में फोकस देकर चला कीजिए। देखिए यहां पर हो गया इसराइल, आप लोग देखते हैं ये वाला एरिया, जॉर्डन भी काफी न्यूज में रहता है, ये यहां पर इसराइल हो गया, ये पैलेस्टीन वाला हो गया, वेस्ट बैंक वगैरह आप लोग देखते हैं यहां पर। तो थोड़ा सा जो भी एरिया न्यूज में रहता है उसको मैप में आप लोग निहारा कीजिए, थोड़ा गूगल मैप में जाकर ज्यादा तरीके से आप लोग यहां पर इसकी जो बाउंड्री है देख पाएंगे। गाजा स्ट्रिप हो गया यहां पर, ये हो गया वेस्ट बैंक, तो पूरा पैलेस्टीन का रीजन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा आप लोग को पता होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं, आगे जो बात की जा रही है यहां पर की जा रही है एग्रीकल्चर बाजार की बात की जा रही है, इसको बोला जा रहा है एग्री बाजार। एग्री बाजार का मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब यह है जिस तरीके से हमारे किसान भाई जो अपनी जमीन में जो भी अपना फसल उगाते हैं उसका उनको अच्छा रेट नहीं मिल पाता है, जब मार्केट में लेके जाते हैं उनको अच्छा रेट उसका मिल पाए, इसीलिए यहां पर आप लोगों को एग्री बाजार देखने को मिलता है। और फोकस किया जा रहा है, ये लग रहा है कहां पर, साउथ आप लोगों को गोवा में देखने को मिलेगा। एग्री बाजार के तहत कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है उसको भी कहीं अच्छे लेवल पर यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। और एग्री बाजार की जब यहां पर बात आती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वन नेशन वन बाजार, मतलब किस तरीके से वन एग्री बाजार, जिस तरीके से हम लोगों ने बोला था ना वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी हमारी कंट्री में आया, सारे इनडायरेक्ट टैक्स इसमें हम लोगों ने सब्ज्यूम कर दिए, इसी तरीके से यहां पर बात की जा रही है वन नेशन वन बाजार की। तो यहां पर भी आप लोग कुछ ऐसी बातें नजर आएगी, ठीक है, कि सिंगल मार्केट हो जाए, एक जगह कनेक्ट हो जाए सारी, और अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है जो प्रोडक्ट का प्राइस आप लोगों को साउथ में देखने को मिले वही प्रोडक्ट का प्राइस नॉर्थ में देखने को मिले, ये नहीं है कि साउथ में वो बहुत ज्यादा महंगे बेचे जा रहे हैं और नॉर्थ में वो बहुत ज्यादा सस्ते बेचे जा रहे हैं। तो हर जगह लेवल के किसान को सब जगह कम से कम इक्वल टाइप का फायदा होए। आप लोग देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में अभी सीरीज चल रही थी तो इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से साउथ अफ्रीका को हरा दिया यहां पर और 5-1 से ये सीरीज जीत ली है, तो काफी शानदार बात है। और हमारी रैंकिंग आप लोगों को पता है आईसीएसई में हमारी रैंकिंग काफी अच्छी क्या फर्स्ट पे पहुंचे हुए, इससे शानदार और क्या चाहिए हम लोगों को। आइए अब आगे चलते हैं, कई बार आप लोग कई सारे आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप लोगों को उसके नाम से भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। बात की जा रही है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की, मतलब क्या है, वर्ल्ड को किस तरीके से आने वाले टाइम में सस्टेन करना है और डेवलपमेंट भी होता रहा, आने वाली जो जनरेशन है उनको भी फायदा हो जाए, तो इसके बारे में फोकस किया जा रहा है। समिट हो रही है 2018 की, कहां पर ये हो रही है, इंडिया में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनॉग्रेट की गई है किसके द्वारा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है उनके द्वारा इनॉग्रेट की गई है। और यहां पर इसके बारे में थोड़ी सी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो क्या क्या है वो आप लोग यहां पर देख लीजिए। खासकर इसकी जो थीम की बात की जाती है ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, पार्टनरशिप फॉर रेजिलिएंट प्लांट बैक, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इस तरीके की बातें आप लोगों से क्वेश्चन में कई बार पूछ ली जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये पढ़ सकता है कि हुई कहां पर है, ये आप लोगों को इंडिया में देखने को मिली, ठीक है। इनॉग्रेटेड किसके द्वारा की गई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेटेड की गई थी। अलग अलग एरिया में खासकर बात की जा रही है एनर्जी के फील्ड में और एनवायरमेंट के फील्ड में किस तरीके से हम लोग आपस में मिलकर काम चल सकते हैं। देखिए अगर कहीं पर भी आप लोग कोई ऐसे या फिर कोई आंसर लिखने की बात आ जाती है तो 3E आप लोग हमेशा याद रखा कीजिए। पहली बात की जाती है यहाँ पर एनर्जी की, दूसरी बात की जाती है यहाँ पर एनवायरमेंट की, और तीसरी बात की जाती है यहाँ पर किस चीज की, यहाँ पर आप लोग चाहे तो एक ही और जोड़ सकते हैं, ये इकोनॉमी की, और या फिर बात कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर एजुकेशन की। तो ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर आप लोग किसी ना किसी आंसर में इनका यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पर डेवलपमेंट की बात आती है, सोसाइटी को सोसाइटी को इंप्रूव करने की बात आती है, तो ये कुछ बातें ऐसी है जो आप लोग घुमा फिरा कर यहाँ पर कई बार लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई आंसर लिखना है तो शॉर्ट टाइप का या फिर लॉन्ग टाइम का, तो आप इन चीजों को याद रखा कीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल बात की जा रही है एकलव्य स्कूल में, एकलव्य स्कूल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। हम लोगों ने बजट का जब डिस्कस किया था, मैंने बजट का जब लेक्चर लिया था उस टाइम पर भी आप लोगों को इसके बारे में बताया था। हमारी कंट्री में बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप करने की 562 एकलव्य स्कूल। एकलव्य स्कूल किसके लिए होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल्स होंगे यहाँ पर ट्राइबल एरिया में, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, ठीक है। कुछ आप लोगों को पिक्चर जो है ऐसी देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक शानदार तरीके के स्कूल्स रहेंगे, यहाँ पर सब चीजें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी गवर्नमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग एक शानदार स्कूल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये एकलव्य ही स्कूल है। यहाँ पर कुछ एरिया में तो बनाए जा चुके हैं पर लेकिन कुछ एरिया में अभी बनने वाले हैं, तो उसी के ऊपर फोकस देने की बात चल रही है। 190 बात की जा रही है, अभी 190 करेंटली ऑपरेशनल है, यहाँ पर अभी बात चल रही है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आने वाले टाइम में लगभग बात की जा रही है 2022 तक, ये भी फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2022 तक लगभग 20,000 जो ट्राइबल पर्सन है उनको बात की जा रही है, ट्राइबल स्टूडेंट्स है, कम से कम उनको स्कूल के थ्रू एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है।
पैटर्न क्या रहने वाला है, पैटर्न रहने वाला है नवोदय विद्यालयों का। नवोदय विद्यालय आप लोगों ने आसपास एरिया में देखोगे 12th तक होते हैं नॉर्मली, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं और बच्चे एडमिशन ले लेते हैं इसमें स्टार्टिंग में। तो जैसे ही इसमें एडमिशन जाता है फिर बच्चा वहीं पर रहता है, तो स्टार्टिंग से उनको एक आदत डाली जाती है हॉस्टल में किस तरीके से रहा जा सकता है, तो वो सारी बातें आप लोगों को नवोदय विद्यालय में देखने को मिलती है। तो किसके पैटर्न पे आ रहे हैं ये आप लोग बता सकते हैं, ये जवाहर नवोदय विद्यालय, तो इसके पैटर्न पे ही हमारी कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है। तो हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, वो सारी बातें आप लोग याद रख ही सकते हैं। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है वो 271 के यहाँ पर लगभग है और ऑपरेशनल यहाँ पर 190 है, तो आने वाले टाइम में इनको बात की जा रही है कितनी, 562 की। तो ये बात आप लोग थोड़ी सी याद रख सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में, ये यहाँ पर बिगन हुई है कहाँ पर, मुंच में, ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है जर्मनी के अंदर में, तो फोकस कहीं पर दिया जाएगा। देखिए आप लोगों को पता है नॉर्थ कोरिया के बारे में कितना ज्यादा न्यूज में रहते हैं, खासकर नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो बार बार यूएसए को थ्रेट देते हैं कि हम आपको, आपके ऊपर हम न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, तो इस तरीके की बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो सिक्योरिटी की थ्रेट न रहेगा आने वाले टाइम में, तो किस तरीके से जो न्यूक्लियर क्राइसिस है यहाँ पर उसको सुलझाया जा सकता है। और दूसरी बात, सीरिया में जो सिविल वार चल रही है वहां पर आज के डेट में नए जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर कूद चुके हैं लड़ाई में, एक तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वो है टर्की, और दूसरी कौन है, दूसरी यहाँ पर इजराइल, ये भी आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुंच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें इन्हीं सब मुद्दों पर यहाँ पर बात करने की बात की जा रही है। यूएस के डिफेंस मिनिस्टर, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, इसके अलावा जापानीज फॉरेन मिनिस्टर, ये सब आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये सारी बातें ये चल रही है यहाँ पर कि किस तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर थ्रेट को रोका जा सकता है। और भी कई एरिया में आप लोगों को पता है अभी विंटर ओलंपिक चल रहे हैं कहाँ पर, प्योंगयांग में, चाहे ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों को साउथ कोरिया देखने को मिलेगा वहां पर, तो विंटर ओलंपिक चल रहे हैं, तो वो भी आप देखने को मिला है काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर दोनों के रिलेशन अच्छे हुए हैं। तो जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी है एंटोनिस जो गुतेरेस, इन्होंने भी इसकी बड़ाई की है, वेलकम बोला है इसको कि किस तरीके से दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को एक साथ खिलाने की बात की गई है। और उसके अलावा नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है उन्होंने यहाँ पर इन्वाइट भी किया है, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है उनको, कि हमारी कंट्री में आइए। तो अगर रिलेशन अच्छे बनते हैं तो आने वाले टाइम में काफी कुछ यहाँ पर अच्छा देखने को मिल सकता है। जर्मनी आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर जर्मनी मैप में, ये वाला एरिया हो गया यूरोप में पड़ता है। अगर इंडिया के रेफरेंस में आप लोग इसको देखना चाहेंगे तो आप लोग देखेगा ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया, यहाँ से अगर यहाँ से होते हुए आप लोग ऐसे जाएंगे तो ये हो गया यहाँ पर जर्मनी। इसी तरीके से आप लोगों को नॉर्थ कोरिया भी दिखा देता हूँ, थोड़ा उसके भी दर्शन कर लीजिए। तो ये हो गया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया, और ये हो गया साउथ कोरिया, यहाँ पर येलो सी हो गया, ये सी ऑफ जापान हो गया, ये ईस्ट चाइना सी हो गया। इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा एरिया निहारते रह कीजिए, माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी होनी चाहिए। पड़ोस में यहाँ पर जापान भी है, तो इस तरीके से थोड़ा सा चीजें को देखते रह कीजिए। ओके आइए अब आगे चलते हैं। तो ये जरूर याद रखिए कहाँ पर हो रही है, मुंच जर्मनी है, साउथ जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। ये आप लोगों को कॉन्फ्रेंस की पिक्चर भी यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एमएससी, ठीक है ना। तो ये एमएससी की बात की गई है, इसको बोला जाए मून सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको जान सकते हैं। बात की जा रही है रोजर फेडर के बारे में, इनके बारे में जितना ज्यादा बोला जाए उतना ही कम है। इनको आप लोग कंपेयर करना चाहिए क्रिकेट में आप लोग सचिन तेंदुलकर, और इधर यहाँ पर रोजर फेडर, तो बिल्कुल उसी तरीके से ओल्डेस्ट नंबर वन प्लेयर बन गए हैं आज की डेट में, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। 20 ग्रैंड स्लैम आज तक ये जीत चुके हैं, ठीक है। तो बातें याद रखिएगा, ये कई बार आप पूछा जा सकता है। अगर टेनिस की हिस्ट्री में बात करें तो एक नई हिस्ट्री इनके द्वारा क्रिएट कर दी गई है यहाँ पर, अगर आप लोग देखें तो। पहले कौन था बाद में कौन था, इस कई बार बातें पूछी जाती हैं, वो आप लोग देखिए, पर लेकिन ये जरूर याद रखिएगा इनके बारे में कि आज के डे में ओल्डेस्ट नंबर वन ये है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कई बार कि एज की कोई बार नहीं होती, एज बस हमारी जो आपकी माइंड की जो थिंकिंग है बस वो होती है। अगर आप लोग चाहे तो कितने भी लंबे समय तक अपने आप को फिट रख सकते हैं, कितने भी लंबे समय तक अपने आप को कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं किसी भी एरिया में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी थिंकिंग किस तरीके से चलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए उदाहरण आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रेजेंट है, ये बातें हवा में नहीं बोली जा रही है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंटरेस्टिंग है, और आप लोगों को जानकर कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। ये है बनाना के बारे में, जी हाँ केला के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, केले के बारे में। केला बहुत ही मतलब आप लोग बोल सकते हैं एक शानदार फ्रूट है, और कहीं ना कहीं इसको एक बैलेंस डाइट भी माना जाता है। अगर केला आप लोग खाते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा आहार मिलता है केले से। नेशनल बनाना फेस्टिवल 2018 की बात की जा रही है, तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। 2018 का यहाँ पर ये स्टार्ट हो रखा है। तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है इसके बारे में, वो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आप लोग देखेंगे तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बनाना हमारी ही कंट्री में उगाए जाते हैं। जी हाँ सही सुना आप लोगों ने, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बनाना हमारी कंट्री में उगाए जाते हैं। और यूनियन एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जो श्री राधा मोहन जी है, उन्होंने एड्रेस किया यहाँ पर फेस्टिवल को, और आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर एरिया भी बताया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जाए अगर देखेंगे आप लोगों कहीं ना कहीं। कई बार देखिए आप लोग जो नॉर्मल खेती हमारी कंट्री में होती है, अगर उसके साथ में कोई एलाइड सेक्टर इस तरीके का छोटा बोट कोई और दूसरी खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, या कोई छोटी बोटी कोई दूसरी चीजें स्टार्ट कर देते हैं, तो फार्मर को उससे बहुत फायदा होता है, ठीक है।
तो आप लोग देख सकते हैं, अगर देखा जाए आज की डेट में 130 कंट्री ऐसी हैं जहां पर बनाना उगाया जाता है, जहां पर केला उगाया जाता है, ठीक है। और लगभग देखने को मिलेगा आप लोगों को 5 मिलियन हेक्टेयर में ये आप लोगों को देखने को मिलता है जो उगाया जाता है, और 103 मिलियन टन जो बनाना आता है ये ऑल ओवर वर्ल्ड उगाया जाता है। ये है यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन 2013 की है, अलग ही थोड़ी पुरानी है, इसमें कोई बात नहीं है, पर फिर भी अब थोड़ा बहुत आप लोगों को मतलब आइडिया हो ही गया होगा कि मतलब कितने एरिया में क्या क्या हो रहा है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर इंडिया में 29 मिलियन, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहां पर 29 मिलियन जो है वो इंडिया में उगाया जाता है। टोटल 103 है और 29 मिलियन ओनली इंडिया में है, तो समझ सकते हैं टोटल 5 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर उगाया जा रहा है। और यहां पर देख सकते हैं लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर की बात की जा रही है, 0.88 है, लगभग 1 मिलियन आप लोग बोल सकते हैं, मतलब 5 में से लगभग 1 मिलियन पर इंडिया में ही उगाया जा रहा है। तो दोनों ही तरीके से हम लोग हर तरीके से यहां पर आगे हैं अगर देखा जाए तो। इंडिया अकाउंट करता है यहां पर अगर देखा जाए 15.5% एरिया लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन का अगर देखा जाए जो यहां पर प्रेजेंट है आज के डेट में, तो 15% एरिया में अगर यहां पर देखा जाए कि कितना प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है, ठीक है ना, अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 25% आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग, मतलब 15% जमीन पर वर्ल्ड की जो यहां पर देखने को मिल रही है उस पर हम लोग 25% यहां पर बनाना वर्ल्ड का हम लोग उगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा इसको समझिएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पार्ट देखने को मिलेगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के पार्ट में ये नजर आएगा आप लोगों को। और यहां पर वाइल्ड जो स्पीसीज है ये भी आप लोग याद रखते हैं, ये मूसा बनाना की, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा, ओके। और कोशिश कीजिएगा कि डेली कम से कम एक बनाना जरूर खाएं, सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी का थोड़ा सा पोर्शन देख लेते हैं। बात की जा रही है नेरोरा वैली के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए काफी शानदार वैली आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिलेगी। पढ़ते कहाँ पर है तो मैप आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल का मैप। वेस्ट बंगाल के मैप में जब आप लोग जाएंगे तो ऊपर दार्जिलिंग वाले एरिया के आसपास में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये जो स्पॉट पॉइंट किया गया है, ये यहाँ पर नेरोरा वैली, ओके। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बायोलॉजिकल जोन है एक तरीके से, रिचेस्ट बायोलॉजिकल, मतलब बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो रेड पैंडा यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। रेड पैंडा के बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, जो कि खासकर यहां पर काफी लार्ज स्केल में पाया जाता है। किलिंगपोंग डिस्ट्रिक्ट, बहुत बार आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जब यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस टाइम पर कई बार न्यूज में भी था। ये स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और पीछे के रिवाइज जरूर करते रहिएगा। बहुत सारे नेशनल पार्क और बहुत सारी वैली और रिवर्स में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, वो रिवाइज जरूर करते रहिएगा, ठीक है। आगे तो चलती रहेंगी चीजें, पर पीछे भी आप लोगों को थोड़ा याद रखना है कि क्या करा चुका हूं, क्योंकि वही एग्जाम में आप लोगों के काम आने वाली है जो आप लोग रिविजन करते हुए चलते रहेंगे तो, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आप लोगों के लिए यहाँ पर पॉलिटिकल रिवीजन, आप लोगों को रिवीजन करना है आज जाकर किस लेक्चर का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, तो इसको जाकर थोड़ा निहारिएगा। प्लानिंग कमीशन ऑलरेडी देख चुके हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को आप जाकर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो का लिंक भी है, और नीचे भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, रिवीजन करते रहिए, बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग योजना का, उसका फिर आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, किस तरीके से हम लोग आगे चलकर अपने जो एरिया में खासकर प्रोटेक्शन की स्कीम आप लोगों को जो देखने को मिलती है, किस तरीके से मान लीजिए सोशल सिक्योरिटी की स्कीम प्रोवाइड करा रखी है खासकर किसानों को। किसानों को मान लीजिए आज की डेट में हम लोग लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, कई तरीके आप लोग बीमा देखने को यहाँ पर मिलता है, तो क्या फायदा होता है इससे, कल को अगर कोई भी खेती बेकार हो जा रही है तो कहीं ना कहीं जो बीमा रहता है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। मतलब क्या करेगा, एक तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम कल को हो रही है तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन नजर आता है कि हाँ यार ये भी अवेलेबल है मेरे पास में साधन, तो ये काम किया जाता है यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोग। तो इसके बारे में याद रखिएगा, अभी आप लोगों को जब पूरा आर्टिकल देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ओके। तो किस तरीके से हमारी सोशल सिक्योरिटी है वो अगर कोई वल्नरेबल कंडीशन आ रही है, फिर कोई किस तरीके का शो करा है सोसाइटी में, तो वो एब्जॉर्ब उसको कर पाती है। ये है हमारा कंप्लीट यहाँ पर आर्टिकल इसके बारे में, देख लेते हैं सोशल सिक्योरिटी का क्या क्या बात की जा रही है। सोशल सिक्योरिटी की जब बात की जाती है तो शोक एब्जॉर्वर बोला जाता है, मतलब कोई भी अगर शोक लगता है किसी को, अगर उसके पास में सोशल सिक्योरिटी स्कीम है तो वो आराम से उस शोक को झेल पाता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी के पास में कोई पेंशन है आज की डेट में और कल को कोई बुरी कंडीशन आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसके पास में एक सपोर्ट रहती है कि हाँ भाई पेंशन है, कम से कम कुछ काम चल जाएगा। इसी तरीके से अगर किसान को यहां पर आज की डेट में उनको किसान को अगर यहां पर बीमा प्रोवाइड करा रखा है फसल का, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा फसल बर्बाद होने के बाद में कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी जो रहती है सोसाइटी में उसके खिलाफ यहां पर प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये, ओके। और नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं एक डिग्निफाइड लाइफ भी प्रोवाइड कराता है। अगर इंसान के पास में कोई सिक्योरिटी नहीं रहती इस तरीके की तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, कई बार तो किसानों ने आप लोगों ने देखा होगा आत्महत्या करते हुए भी नजर आते हैं, तो ये कंडीशन भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इन सारी सिचुएशन को किस तरीके से रोका जाए और किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं वो सोशल सिक्योरिटी इस तरफ को एक बहुत बड़ा रास्ता प्रोवाइड कराती है। अगर बात करें यूएन के जो यूएन का जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स रिलेटेड आर्टिकल 22 के तहत भी आप लोगों को देखने
देखने को मिलेगा। बात की जाती है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की, पर कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि बहुत सारा एरिया ऐसा है ऑल ओवर वर्ल्ड जहां पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ढंग से प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती तो है पर लेकिन उसको उस लेवल पर प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। और जो मैंने आप लोगों को बताया भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसमें ये बात बोली भी गई है कि एवरीवन एज द मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज द राइट सोशल सिक्योरिटी दो द नेशनल, मतलब एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा थ्रू नेशनल एफर्ट और दूसरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मतलब नेशनल का एक तो नेशनल आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उसके नेशनल के द्वारा यहां पर एफर्ट लगाना है और दूसरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी यहां पर होना चाहिए। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि थोड़ा स्पीड में ज्यादा बोलता हूं, आप लोग क्या कर सकते हैं यूट्यूब में ऑप्शन रहता है आप लोग उसको मेरी जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं, जितना ज्यादा चाहे उसको बढ़ा भी सकते हैं, तो उसको टेंशन मत लिया कीजिए, आप लोगों के हाथ में बटन है उसको बढ़ा और घटा सकते हैं आप लोग आसानी से। ठीक है, बात की जा रही है सोशल सिक्योरिटी के, जर्मनी को नॉर्मली बहुत आगे माना जाता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा यूके में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पर, जब वर्ल्ड वार सेकंड आप लोगों खत्म हुई उस टाइम पर बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाई गई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और यूएन के हिसाब से अगर माने तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम को प्रमोट तो किया जाता है पर आज की डेट में भी 27% ओनली ओवर वर्ल्ड आईएलओ के हिसाब से अगर देखें 2014 का एस्टिमेशन यहां पर लगाया गया था, मतलब आप लोगों को ये देखने को मिलेगा 73% जो हमारी पॉपुलेशन है उनके पास में किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, ना तो कोई पेंशन की है ना ही कोई हेल्थ का बीमा है कोई भी किसी भी तरीके का, तो ये कंडीशन खराब कर देती है अगर कोई वल्नरेबल कंडीशन बनती है तो। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात की जा रही है वो बहुत कम है हमारी सोसाइटी में अगर आज के डेट में आप लोग देखेंगे तो। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, नेक्स्ट बात की जा रही है अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स रहती है तो कई तरीके आप लोग यहां पर बातें नजर आती है, तो वो क्या है यहाँ पर चैलेंज इनको बोला गया सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए, दो चैलेंजेस यहाँ पर बोले गए। सबसे पहले तो सस्टेनेबिलिटी, मतलब चीजें हो तो जाती है सोसाइटी में आप लोगों की तरीके से है बिल्कुल, टाइम टेबल बना तो लेते हैं आज पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया पर लेकिन लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते हैं, एक दो दिन पढ़ते हैं जोश जोश में आकर फिर उसके बाद में छोड़ देते हैं, कुछ ऐसी चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी क्या है, दूसरी भी आप लोगों के साथ ही एग्जाम्पल देकर यहाँ पर चला जाएगा, यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को उठा लेते हैं उसमें महारत हासिल कर लेते हैं और दूसरे सब्जेक्ट का आता पता नहीं रहता है, तो यही ऐसी सोशल सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, एक एरिया में रहेंगी तो दूसरे एरिया में नहीं रहेंगी और सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है, लंबे समय तक नहीं चल पाती है, बीच में टूट जाती है, तो दोनों ही तरीके से यहां पर चैलेंजेस सस्टेनेबिलिटी जो स्कीम है जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसको यहां पर मेंटेन रखने में आते हैं, तो दोनों ही चैलेंज आप लोग देख सकते हैं। और बहुत फ्यू कंट्री ऐसी है जहां पर आप लोगों को यूनिवर्सल सिस्टम एक देखने को मिलेगा, खासकर यह बात आप लोगों को डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलेगी, पर जो मिडिल इनकम कंट्री है और जो आप लोगों को जो थोड़ी आप लोगों को डेवलपिंग कंट्री नजर आएगी वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एक तो इनकम की बात निकल कर आती है, इतना ज्यादा फंड नहीं होता उनके पास में कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड कराई जा सके, और दूसरी बात यह होती है कि आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है जिनको स्कीम प्रोवाइड करानी है उनको स्कीम नहीं मिलती है और जिनको प्रोवाइड नहीं करानी है उनको मिलती है, मतलब है धांधलेबाजी, एक ढंग से काउंट नहीं कर पाते किसके पास में स्कीम पहुंचनी चाहिए और किसके पास में नहीं पहुंचनी चाहिए, वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पॉलिटिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है उनका भी कहीं ना कहीं एक बायसनेस होकर चलती है यहाँ पर स्कीम को लेकर। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो रिटायरमेंट के बाद में जो स्कीम्स होती है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, अगर रिटायरमेंट के पहले किसी को सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड कराई जा चुकी है तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में बहुत लार्ज स्केल पर कंट्रीब्यूशन इसका नजर आएगा। नेशनल गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो प्लानिंग कमीशन जब करती है वो किसी भी तरीके अपना प्लान बनाती है, वो तो प्लानिंग जब करती है वो तो उस टाइम पर अगर फिजिकल प्लानिंग वो कर रही है तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम अगर रहती है तो काफी फायदेमंद यहां पर चीजें साबित होती है, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम अगर रहती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारी बातें इसके बारे में बोली गई है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड कराओ क्योंकि वो फ्यूचर में आप लोगों को पे करने वाली है, जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते हैं और अपना एक आदत डाल लेते हैं ना पढ़ने की, आप लोगों को फ्यूचर में बहुत पे करने वाला है, उसी तरीके सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, फ्यूचर में बहुत लार्ज स्केल पर पे करती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई है यंग पॉपुलेशन आज के डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो ये सबसे सही टाइम है सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इंप्लीमेंट करने का, वरना पता चला हमारी इकोनॉमी भी अच्छी नहीं बढ़ रही है और हमारी पॉपुलेशन भी आगे आने वाले टाइम में एज हो चुकी है बूढ़ी हो चुकी है, उस टाइम पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आएंगे तो डबल बर्डन पड़ेगा। आज की डेट के टाइम को सबसे शानदार टाइम माना जा रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम बोला जा रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 डीपीएसपी के अंदर भी आप लोग देखेंगे राइट टू वर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, एजुकेशन यहां पर प्रोवाइड कराया जाए और खासकर जो ओल्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है बूढ़ा जो हो चुका है आज के डेट में थोड़ा एज ज्यादा सेक्शन हमारी सोसाइटी का हो चुका है उनके या फिर बीमार या फिर डिसेबल सेक्शन के लिए यहां पर स्कीम्स प्रोवाइड कराने की भी बात की जाती है, तो यह भी बात आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बात बोली गई है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि काफी शानदार टाइम है, अगर आज इंप्लीमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका देखने को मिलने वाला है। तो नीचे यहां पर इन्होंने ऐसा ही नहीं है कि यहां पर बात बोली है, उसका स्टेप भी बताया इन्होंने कैसे कैसे करना चाहिए यहां पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए। सबसे पहले तो एक रोड मैप तैयार होना चाहिए एक यूनिवर्सलाइज्ड फॉर्म में कि आप लोग हाँ ये यहां पर आप लोगों को एरिया कवर करके चलना है। ठीक है, एक यहां पर इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलनी है नेशनल लेवल पर ढंग से, नेशनल सोशल सिक्योरिटी एक ऑर्गेनाइज प्रॉपर
प्रॉपर तरीके से यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, देखना पड़ेगा कि यहां पर आप लोगों को दोनों ही तरीके से स्टेट के लेवल पर भी और सेंटर के लेवल पर भी दोनों को काम करना पड़ेगा। एक साइड से काम होकर काम नहीं चलेगा। एक सोशल सेक्टर प्लान आप लोगों के पास में होना चाहिए और यहां पर जो कि आगे आने वाले टाइम में फैसिलिटेट करे हमारी इकोनॉमी को भी, आगे आने वाले टाइम में इकोनॉमी में ग्रोथ नजर आएगा, तो उस तरीके से यहां पर इसको लेकर चलना है। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, बहुत सारी स्कीम्स है पब्लिक को पता ही नहीं है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि हेल्थ में इन्वेस्टमेंट ऐसा माना जाता है कि जीडीपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है और जिन कंट्री ने किया है उनमें आप लोग देख भी सकते हैं, वो कंट्री आज के डेट में अच्छे लेवल पर नजर आएंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आप लोग देखते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो अभी बजट में भी आप लोगों को देखने को मिली, उनको एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के द्वारा यहां पर प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट आप लोगों के सामने योजना का आर्टिकल, तो इस तरीके से आप लोग इसको भी देखकर चल सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पिछले साल की योजना क्यों डिस्कस की जा रही है, पिछले साल की नहीं है। आप लोगों से अगर कोई एसे आता है, कोई आंसर लिखना होता है, तो यही सारी बातें आप लोगों से पूछी जाएगी। एक साल का करंट अफेयर आप लोगों के सामने एग्जाम में आता है, तो इसलिए उसको ढंग से कवर करके चलें। अगर आप लोग रियली में सीरियस एस्पायरेंट है, एग्जाम देने के लिए सीरियस है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें कवर करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों से, आप लोगों के जो आज क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। ये है आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन जिनका आप लोगों को आंसर देना है। यहाँ पर पढ़िएगा अच्छे से, पहले यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जिक्र किया गया है, फिर वेल्थेस्ट कंट्री में रैंकिंग की बात की गई है, और नेक्स्ट आप लोगों को एंटी लेप्रोसी डे के बारे में डिस्कस किया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अब देख लेते हैं वो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से कल पूछे थे उनके आंसर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसका आंसर देखिए, तो यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो जब यहां पर बात आती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए तो यहां पर कहां पर हो रही है, ये बेंगलुरु में। ठीक है, तो यहां पर देखने को मिलेगी 2018 की बात की जा रही है। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला 2018 का ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसकी समिट आप लोगों को देखने को मिलेगी ये चाइना में। और खासकर जो बात आती है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया भी अभी यहां पर लेटेस्ट मेंबर बना है SCO का। ओके, और इंडिया के साथ में आप लोगों को पड़ोसी हमारा जो फेवरेट जो दोस्त है हमारा वो है पाकिस्तान, वो भी हमारे साथ में यहाँ पर आ गया है आज के डेट में। 8 टोटल यहाँ पर स्टेट मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, कायर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 4 ऑब्जर्वर भी हैं आज के डेट में, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। गठन कब किया गया था इसका, 15 जून 2001 से इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट के बारे में, ये आप लोगों को देखने को मिला, अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये न्यू दिल्ली में अभी इनॉग्रेट की गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल आज का डिस्कशन। एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। ओके, तो आइए देखते हैं फर्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। फर्स्ट आप लोगों को तो पहले तो आप लोगों को यही देखने को मिला, हम लोगों ने छोटी छोटी मगर मोटी बातें कई सारी डिस्कस की। ईरान के बारे में हम लोगों ने देखा, टेरर को कम्बेट करने की बात की जा रही है, और ये स्टैंप जरूर याद रखिएगा, स्टैंप के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इंडिया और ईरान का जो स्टैंप यहां पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है अगर कोई अपनी इनकम यहां पर रिवील नहीं करता है, तो प्रेसिडेंट की बात, ये यहां पर प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात की जा रही है यूएसए की, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इथोपिया में हम लोगों को इमरजेंसी देखने को मिली, इसराइल में प्रोटेस्ट चल रहा है, यहां पर भी आज के डेट में प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले टाइम में। एग्री बाजार के बारे में जिक्र किया गया, फर्स्ट पेज यहां पर इनॉग्रेट किया गया, कहां पर, गोवा में, वन नेशन वन एग्री बाजार बनाने की बात की जा रही है। इंडिया ने हरा दिया है साउथ अफ्रीका को, यहां पर आप लोगों को देखने को 5-1 की सीरीज में इंडिया हम लोग जीतकर आगे बढ़ गए हैं। नेक्स्ट आप लोग यहां पर देखने को मिला, ये ऑलरेडी दिखा चुका हूं। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, ये हम लोगों ने देखा वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट के बारे में, तो इसके बारे में भी आप लोगों को छोटी छोटी सी बातें पता होनी चाहिए, 2-4 बातों से आप लोगों से डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम लोगों ने यहां पर देखा एकलव्य स्कूल के बारे में, ये भी हम लोगों ने सारी बातें यहां पर इसके बारे में जानी, किस तरीके यहां पर फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मुंच में, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी में पड़ता है ये, हम लोगों ने जाना रोजर फेरेडर के बारे में, और ये मुंच कॉन्फ्रेंस भी हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला बनाना के बारे में, एक बनाना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है केरला में, इसके बारे में पता होना चाहिए, इंडिया टॉप पे है इस पे पोजीशन में, ये कुछ बातें आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोग यहां पर बता सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने यहां पर देखा बनाना के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहां पर, ये देखा हमने नेरोरा वैली के बारे में, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कहां पर सिचुएटेड है, और रेड पांडा आप लोग याद रख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने योजना के आर्टिकल्स देखे, वो भी आप लोग देख लीजिए, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। योजना के आर्टिकल के तहत हम लोगों ने देखा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, और इसके अलावा आप लोगों को जो रिवीजन करना है वो जाकर करना है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं, सारे लेक्चर आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएंगे, आप लोग जाकर देखेंगे तो। ठीक है, इसके बाद में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, और ये थे आप लोगों के क्वेश्चन जिसका मैंने आंसर दिया। कितने मार्क्स आप लोगों को मिले हैं 3 में से, नीचे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा जिस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं माइंड ब्लोइंग है, इसी तरीके से लगे रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिलते हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब दिल खुश हो जाता है जब मैं कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोगों के क्वेश्चन पढ़ता हूं, वहां पर जाकर क्वेश्चन का आंसर भी देते रहिए। जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल चलते रहिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा।
देखिए लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चीजों को शेयर कर दिया कीजिए फेसबुक वगैरह पे ताकि सबको फायदा हो जाए। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो राजसभा की न्यूज और पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और प्लास्टिक का कम से कम यूज कीजिए जितना भी कम हो सके। ठीक है, मिलजुल कर रहिए, आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।